उस दिन मैं फिर लॉन में सबसे मिला था और उसी दिन मैंने कहा कि भाई कोई जगह ऐसी सीएम हाउस में नहीं होनी चाहिए जो व्हीलचेयर एक्सेसिबल ना हो, और इस वक्त मेरे दफ्तर तक भी आ सकते हैं, हमने रैंप्स रैंप्स लगाई हैं हर तरफ, रास्ता थोड़ा कहीं कहीं कठिन है इसलिए कि ये पुरानी, एक मसला और था कि जी वो हेरिटेज की बिल्डिंग है, इसको आप ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो उधर फिर हमने हर जगह पे जैसे भी पॉसिबल हुआ की, और इस तरीके से फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। और आज तीसरी बार आप लोगों ने मेरी जो दावत है वो कबूल की और साहब इधर आए, आप सबका शुक्रिया। ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करूँगा, सादिक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने जो डिपार्टमेंट की सारी कारकर्दगी है उसके बारे में बताया, तो मैं रिपीट नहीं करूँगा, वो सारी चीज़ें हो गई। जो एक चीज़ नहीं तो नहीं है मेरे जहन में तो हमेशा से थी कि एक पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उसकी इंक्लूसिविटी माशरे में, और एक बड़ी अच्छी बात जावेद रईस ने की थी कि ये अल्लाह ताला ने तो हम सबको बना के भेजा है, ये इंसान है जो अपने लिए, एक शख्स ने अपने लिए, अल्लाह ताला ने तो घर नहीं बनाए थे ना, इन लोगों ने आके इधर अपने घर बनाए, अपने कारोबार शुरू किए। हमने जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज थे उनको फॉर सम रीज़न जो भी था कि जी वो इंक्लूसिव नहीं किया, शायद अलग समझते रहे, इंक्लूसिविटी बहुत ज़रूरी है। और ये मैं बड़ा खुश हुआ, काफ़ी चीज़ें अभी मुझे सादिक ने दी है, ये जो डिपार्टमेंट ने बनाई है गाइडलाइंस फॉर इंटरेक्शन विद पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ये बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस, एक्सेप्टेबिलिटी। और एक हम वैसे भी अपने